लोग हैं जो आते हैं गोट से जिंदाबाद कहते हैं, वो कौन लोग? मैं कह तो दिया कि वो भारत विरोधी ताकतों से प्रभावित ISI और न जाने कौन से आतंकवादी संगठनों से प्रभावित लोग हैं। गांधी बनाम गोडसे, जिस तरह गांधी जो है सहिष्णुता और अहिंसा के पूरे शिखर पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, दूसरे छोर पर गोडसे हैं जो एक्सट्रीमिज्म और एक जो असहिष्णुता के विचारों को लीड कर, गांधी बनाम गोडसे का जो विवाद है और जो चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है, वो हैं जो दीपावली दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं, कुछ लोग नहीं जलाते। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस टाइम खड़ा हूँ, कल गांधी जयंती है और गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर हम यहाँ पे BHU के छात्रों के साथ मौजूद हैं। गांधी बनाम गोडसे, जिस तरह से गोडसे ट्रेंड करते हैं गांधी जयंती के दिन और गांधी जी से ज़्यादा ट्रेंड करते हैं ट्विटर पे, उस मुद्दे पे इन लोगों का क्या कहना है, इस बारे में हम जानेंगे। सर, इस पे आप क्या कहेंगे? सर, मेरा जो मानना है तो गांधी बनाम गोडसे की जो है भारत को एक बड़े परिवेश में परिपेक्ष में देखने की ज़रूरत है। भारतीय संस्कृति और उसका उद्भव एक महान घटना है पूरे विश्व में, पूरे क्योंकि मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैं चीज़ों को बहुत ही गहराई से चीज़ों को देखता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि गांधी जो है सहिष्णुता और अहिंसा के पूरे शिखर पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, और दूसरे किसी भी संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, एक सहिष्णु पक्ष होता है फिर एक असहिष्णु पक्ष बन जाता है या हो जाता है, तो कई पक्ष हर जगह हर समाज में हर परिवेश में हर देश में देखे गए हैं। तो गांधी एक उस का नेतृत्व करते थे। मेरा मानना है कि गांधी जो हैं धर्म अहिंसा और जो सहिष्णुता के शिखर पर थे, और उसके ठीक दूसरे छोर पर गोडसे हैं जो एक्सट्रीमिज्म और एक जो असहिष्णुता के विचारों को लीड कर रहे थे, उसके शिखर पर थे, और दोनों के द्वंद्व से जो इस देश में जो उठा पटक हुई, उसके जो उसके फलस्वरूप आज जो हम देख रहे हैं गांधी बनाम गोडसे का जो विवाद है और जो चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है, वो उसी का ही आफ्टर इफेक्ट कह सकते हैं। तो इस विषय में देखिए, हमें किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, हमें देश का, संस्कृति का, और जो इस देश के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है उसका, मतलब जो इस देश को विकास की राह पर ला सकता हो, उसका समर्थन करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि गोडसे के समर्थक देश में बढ़े हैं? ये आपको लगता होगा, पत्रकारों को ज़्यादा लगता है कि गोडसे जो है देश में समर्थन बढ़े हैं। गांधी की अलग थिंकिंग है, गोडसे का थिंकिंग अलग है, कोई गांधी को मानता है कोई गोडसे को मानता है, लेकिन गांधी हमेशा से जो है भारत मानता है गांधी को, ना कि गोडसे को नहीं मानता है। गांधी की हर जगह आप देखिएगा पूजा होती है, गोडसे की पूजा नहीं होती है, तो गांधी या गोडसे कोई टैग नहीं चलता है। मूर्ख जागत महेश सब गोडसे कहते हैं, कुछ गदा जो है गांधी कहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, गांधी गांधी हैं, गोडसे गोडसे हैं। अच्छा, भारत की संस्कृति में देखिए, कोई ऐसे भी लोग हैं जो दीपावली दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं, कुछ लोग नहीं जलाते, कुछ लोग शोक मनाते हैं। तो भारत में तो एक बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन देखा जाता है, तो इसमें अलग लोगों की अलग मान्यता रखने की पूरी आज़ादी है, ये देखा जाता है, इसको एक डाइवर्सिफिकेशन और एक हमारी विविध संस्कृति के रूप में देखा जाना चाहिए। दोनों घटनाओं को आप झुकला नहीं सकते इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए एक कई चीज़ों के साथ ये चीज़ें भी इतिहास से जुड़ी हुई हैं, तो इसके साथ ही चलना अब हम लोगों की एक परिणति। अब मतलब गोडसे के समर्थक बढ़े हैं, ये आपका मानना है कि नहीं? देखिए, गांधी के समर्थकों में कमी आई है, इसलिए गोडसे के समर्थक बढ़े हैं, और गांधी को सिर्फ व्यवहार में और शैक्षणिक जगत में सिर्फ विचारों तक सीमित कर दिया गया। गांधी के बाद गांधी के जो अनुयायियों ने किया क्या, उससे एक मतलब जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसका फ़ायदा कुछ ऐसी परंपराएं उठा रही हैं जो गोडसे को उस हिसाब से स्थापित करना चाह रही हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो सकती क्योंकि भारत का ऐसा कोई मन नहीं है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा जाता है, लेकिन यहाँ BHU के छात्रों का मानना है कि मजबूती का नाम गांधी है। आप सभी लोगों का क्या मानना है इस पे, गांधी बनाम गोडसे पे? जो भाई कहा वही सही है। आपका अपना क्या कहना है? मेरा अपना यही कहना है कि महात्मा गांधी शुरू से इस देश के आज़ादी दिलाने के लिए शुरू से ही लगे हुए थे, और शुरू से उन्होंने संघर्ष किया, अहिंसा का मार्ग चुना, हर चीज़ अहिंसा। तो भैया वो कौन? भारत विरोधी मानसिकता के लोग हैं, एक तरफ उनको कर दीजिए। अगर आप गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, आप भारत विरोधी हैं, कोई हिचक नहीं इस बात को कहने में। BHU के छात्रों की अलग अलग राय है, अलग राय है सबकी, गांधी पे राय एक है सभी की, और सभी गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं। धन्यवाद।